हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। और आज हम सेल साइकिल एंड डिवीजन के पार्ट 10 में मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस क्या? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कैसे होता है? बाय फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। दो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। स्पेशल मियोसिस क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन टू रिड्यूस डॉटर सेल डॉटर क्रोमोजोम नंबर ऑफ डॉटर सेल अप टू हाफ। मियोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो डॉटर सेल के क्रोमोजोम नंबर को एकदम पेरेंटल क्रोमोजोम से एकदम हाफ बांटेंगे। मियोसिस इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। मियोसिस इंश्योर करता है कि एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज भी आता है और फर्टिलाइजेशन फिर से डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर कर देता है। मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस प्लांट्स एंड एनिमल्स। गैमेटोजेनेसिस के समय में प्लांट्स और एनिमल में मियोसिस होगा और लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल। मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। की फीचर मियोसिस का क्या फीचर है? की फीचर है इन्वॉल्व्स टू सिक्वेंशनल साइकिल। दो सिक्वेंशनल साइकिल इन्वॉल्व होंगे न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन में। एक होंगे मियोसिस वन एंड मियोसिस टू और सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन का सिंगल साइकिल होगा इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोजोम रिप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट ए स्टेज। पेरेंटल क्रोमोजोम से इनिशिएट होंगे और रिप्लिकेट करके दो आइडेंटिकल और रिप्लिकेट करके आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स स्पेज में फॉर्म करेंगे। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एट रिकॉम्बिनेशन। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोजोम को पेयर करेंगे और एक दूसरे को रिकम्बाइन करेंगे। फोर हैप्लॉइड सेल आर प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस टू। मियोसिस टू के बाद दो चार हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करेंगे। फेज ऑफ इवेंट्स। मियोसिस के इवेंट्स के क्या क्या फेज है? मियोसिस को दो भाग में बांटा गया है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस वन के कौन कौन से होंगे? प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन। और मियोसिस टू क्या है? प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। तो फ्रेंड्स आज हमने मियोसिस को पढ़ा और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग मियोसिस वन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे आगे आने वाले वीडियोज को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली छठ वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।